व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह का 7 o'clock हो चुका है और ये जो व्यू है, ये व्यू मेरी एक्चुअल बेडरूम से दिखता है। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह अगर ऐसा दृश्य देखो तो। और ये वाला जो व्यू है मेरी किचन से दिखता है। बहुत अच्छा धूप भी आता है मेरे रूम पे। अब हम जा रहे हैं सुबह का जो भी काम है वो स्टार्ट करने, जैसे कि मुझे सुबह सुबह गर्म पानी करना है मेरे हस्बैंड के लिए। वो पहले तो गर्म पानी पीते हैं, तो पहले मैं उसको गर्म पानी दूंगी, उसके बाद जो भी काम करना है आगे वो करेंगे। साथ ही मुझे दूध उबालना है यानि गर्म करना है, क्योंकि मेरी बेटी को ओट्स बनाकर देनी है, तो मैं जा रही हूँ ओट्स बनाने। बहुत ही आसान तरीके से ओट्स बन जाता है। यहाँ पर मैंने लिया ओट्स और इसको हल्का फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करके फिर उसमें डाल देंगे दूध। हाँ, थोड़ा सा उबलने के बाद इसको ढक देंगे और बंद कर देंगे। अभी देखिए थोड़ा सा फूल गया है, यानी सॉफ्ट हो गया है अभी, तो स्मैशर से इसको स्मैश कर रहे हैं। स्मैश करके अच्छे से स्मैश कर दूंगी ताकि उसको खाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसमें जो भी फ्रूट्स डालना है, ड्राई फ्रूट्स वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक एप्पल लिए, उसको अच्छी तरह से काट लूँगी, एकदम छोटा छोटा पीस करके काटूँगी। अभी इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, एकदम छोटे छोटे करके चॉप करेंगे। हमेशा मैं एप्पल ऐड करती हूँ उसके ब्रेकफास्ट में, और साथ ही मैं थोड़ा सा बेरीज को चॉप कर दूंगी। डालने के पहले हमेशा मैं वॉश कर लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह जो भी डालती हूँ सारे पहले वॉश कर लेती हूँ। अब उसको अच्छे से चॉप कर रही हूँ, छोटा छोटा करके चॉप कर रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो उसे खाने में। कभी कभी पीसेस अगर बड़ा रहे तो गले में अटक सकता है, तो हमेशा हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जब चॉप करें अच्छे से करें। इसके साथ हम बनाना भी ऐड करते हैं, बट आज नहीं कर रही हूँ। सारे ओट्स में डाल देंगे, डाल के हनी ऐड कर देंगे। हम चीनी या जो भी, चीनी तो ऐड करते ही नहीं हैं हम, हमेशा कोशिश करते हैं चीनी ना यूज़ करें। हम ऐड कर दिए हनी, 1 से 2 चम्मच हनी मैं ऐड करती हूँ हमेशा। अब इसको मिला लेंगे और रेडी हो चुका है उसका नाश्ता। ये हम लेके आए थे एक्चुअली मार्केट से, मुझे लगा कि शायद मैं काट सकूँगी,
बट नहीं काट सनी पाए। हमसे नहीं हो रहा है। फिर मैंने अभिषेक को बुलाई तो फिर वो आके काट दे रहे हैं, मीन्स काट के दे रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है इसको काटना। मुझे लगा था कि शायद ही मैं कर लूँगी बट पॉसिबल नहीं हुआ। फाइनली मुझे उसे ही बुलाना पड़ा। और यहाँ पर मैं अखरोट को तोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। फाइनली हो गया। हम यहाँ पर दो अखरोट को तोड़ के डालेंगे। और कुछ बादाम डालेंगे। अभिषेक को सुबह हमेशा खाना पड़ता है। वो हर दिन सुबह वो ही खाते हैं, वॉलनट आलमंड हनी मिलाकर। वैसे तो नाश्ता भी करते हैं बट पहले वो ये खाते हैं। तो मैंने यहाँ दो तोड़ दी। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। और यहाँ पर कुछ आलमंड से ले लिए हम। ग्यारह से बारह पीस नॉर्मली आलमंड डालते हैं, दो अखरोट और आलमंड तो हम लोग डिवाइड करके खा लेते हैं। और साथ ही में हनी पतंजलि वाला, पतंजलि और डावरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी है खाने में, प्लस हेल्दी भी है। आई थिंक सबको ट्राई करना चाहिए, जो कब मीन्स अभी तक नहीं किए उनको ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। एक खाएंगे पहले, उसके बाद नाश्ता करेंगे हम लोग। ज़रूर ट्राई करना ये चीज़, होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। और हम बना रहे हैं चिकन। दोपहर का दो बज चुका है। ये एक्चुअली ऑलमोस्ट फ्राई करके सोचे तो फ्राई करके बनाएंगे, थोड़ा सा ड्राई रखेंगे। फिर लगा नहीं, ज़्यादा ड्राई भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसमें थोड़ा ऐड कर दिए, पानी ऐड कर दिए। हालांकि ये भी देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, वो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। और साथ में कुछ नहीं बनाया है, सादा चावल और चिकन। एक्चुअली हम लोग एक महीने के बाद चिकन खा रहे, कार्तिक में महीना ख़त्म होते सोचा नहीं चलो चिकन खाया जाए। और ये बिग ये बिग बास्केट से आया है अभी, तो हम देख रहे हैं कि सारे सामान आया है, यानी जो भी मंगवाए हैं। सोच रहे हैं कि हम एक बार चेक कर लेते हैं लिस्ट में जो भी है, वो सारे सामान आया है यानी। हालांकि वो देख चेक करके देखे गए हैं बट मुझे लगता है एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो हम वही चेक कर रहे हैं। कभी कभी क्या है होता है, मिसिंग हो जाता है, कुछ कुछ छूट जाता है। अगर छूट जाए तो फिर हम कंप्लेन कर सकते हैं, राइट? तो हम वही चेक कर लेते हैं।